हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं फटाफट बनने वाले आलू पराठे। ये आलू पराठे बनाना एकदम सिंपल है। इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें लगेगी ये देख लेते हैं। इसके लिए हमने ये चार आलू लिए हैं जिनको हमने बॉईल करके छिलका उतार के लिया है। ये 1.5 कप मैंने मैदा लिया है, आप गेहूँ के आटे से भी बना सकते हो। ये कुछ मसाले हमें लगेंगे जिसमें 1/4 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर ली है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, ये 1 टीस्पून हमने गरम मसाला लिया है, 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर है, नमक हम स्वाद अनुसार लेंगे जो मैंने 1 टेबलस्पून लिया है, 1/4 टीस्पून हमने मिरी पाउडर लिया है, और ये शेजवान चटनी है जो हमने 1.5 टीस्पून ली है। ऑयल हमें लगेगा इसके लिए। तो आइए बनाना शुरू करते हैं फटाफट बनने वाले आलू पराठे। आलू को हम पहले ग्रेट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने चारों आलूओं को ग्रेट करके लिया है। अभी हम इसमें मसाले मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आलूओं को हमने ग्रेट करके लिया है। अभी ये सब मसाले हम इसमें ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, नमक और ब्लैक पेपर पाउडर, ये सब हम इसमें ऐड कर लेते हैं। और साथ में ही ये 1 टेबलस्पून हम शेजवान चटनी इसमें ऐड करते हैं। अभी पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हल्के हाथ से। मसाले को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी ये 2 टीस्पून हम इसमें ऑयल डालते हैं और जैसे जैसे लगेगा वैसे वैसे मैदा हम इसमें ऐड करेंगे। पहले मैं 5-6 चम्मच मैदा इसमें डाल लेती हूँ। पाँच चम्मच मैंने मैदा डाल लिया है। इस आटा गूंदने के लिए पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहती। आलू का जो मॉइस्चर है इसमें ही ये आटा गूंदा जाता है। जैसे हम पूरी के लिए करते हैं आलू पूरी के लिए, ऐसे ही उसका भी आटा गूंदना है। ये हमने 5 चम्मच पहले मैदा डाला था, 1 चम्मच मैं और इसमें मैदा डाल लेती हूँ और इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। ये हमारा आटा गूंद के तैयार हो चुका है। अभी इस वापस से इस थोड़ा सा तेल हम हाथ में लेके इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हाथ को हम थोड़ा ऑयल लगा के इसके गोले बना लेते हैं। मीडियम साइज के मैं बना रही हूँ। इसे हम बेल लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल हमने चकले को भी लगा लिया है और नीचे के सरफेस को भी लगा लिया है। ये देखिए, और पराठे को ज़्यादा पतला करने की ज़रूरत नहीं है। के तवे को हमने गैस पे रखा है गरम होने के लिए। पहले ही हमारा तवा अच्छे से गरम हो चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हम इसे ऑयल लगा लेते हैं और इसके ऊपर ये पराठा डाल देते हैं। आप देख सकते हो हमारे पराठे का कलर कितना अच्छा आया है। मीडियम पे रखा है गैस को हमने। एक साइड से अभी अच्छे से पकने देंगे, फिर इसे पलटेंगे। ये पराठे को हम पलट लेते हैं। गैस का फ्लेम हमने बढ़ा लिया है।
अभी हम इसे ऑयल लगाएंगे। पलट लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे आलू पराठे का कलर कितना अच्छा आया है। और इसे भी, ये साइड से भी हम थोड़ा ऑयल लगा देंगे। दोनों साइड से हम इसे अच्छे से सेक लेंगे। ये पराठा टेस्ट में बहुत ही अच्छा लगता है। बॉइल्ड आलू आपके पास है तो 10 मिनट के अंदर पराठा बन के तैयार हो जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा हमारा पराठा दिख रहा है। इसे हम पलट लेते हैं और दूसरे साइड से भी हम ऑयल लगा लेते हैं। पराठे को हमने दोनों साइड से ऑयल लगा लिया है। ये देखिए फ्रेंड, हमारा पराठा कितना अच्छा बना है। मैं इसे सर्विंग प्लेट में निकाल देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से हम सभी पराठे बना लेंगे। ये मेरी आलू पराठे की रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। अगर ये मेरे फटाफट बनने वाले आलू पराठे की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, उससे मेरी रेसिपी आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। फिर मिलते हैं किसी और नए और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।